बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 8th क्लास के 1.16 के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें आपके पास सिंपल सी ये शेप्स हैं, आपने इसमें हाईलाइट करना है। उसने कहा शेड करना है, हाईलाइट करना है आपने, ठीक है। किसको करना है? ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो इससे भी आपकी क्या होगी, शेडिंग ए बी और बी दोनों के दोनों आप क्या करोगे, मिला के लिख दोगे। तो ए यूनियन बी इस तरह आप क्या करोगे, मिला के लिख दोगे, ठीक है। तो ये मैंने ए और बी को यूनियन को मिला के लिख दिया, ठीक है। तो शेड कर दिया, बाहर वाला एरिया आपने शेड नहीं कोई करना, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया। आगे कहते हैं यू माइनस ए, यानी ए है उसमें से यू है पूरा का पूरा, पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल, उसमें से ए को माइनस कर दो। तो पीछे क्या बच जाता है, यू वाला बाहर वाला एरिया बच जाता है। तो ए जब माइनस हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ बाहर वाला एरिया बच जाएगा। ए जो है उसमें से अब माइनस हो चुका है, निकल चुका है, तो अब माइनस इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ऐसे ऐसे। के बाद हमारे पास आ जाता है ए यूनियन ए, यानी ए और ए ही को मिला के लिख लेना। तो सिंपल सा ए ही बच जाएगा। ए यूनियन ए में क्या होता है कि ए और ए को मिला के लिख लो, तो ए और ए तो पूरा का पूरा आ ही जाएगा ना, सारा का सारा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है। तो बी चूंकि सबसेट है ए का, बी जो है वो घुसा हुआ है ए के अंदर, तो बी की सारी चीजें ए में मौजूद होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो बी में कॉमन होगा, बी के साथ कॉमन होगा। सो ये बी की जो है ये ए का भी पोर्शन है और बी का अपना पोर्शन भी है। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी अगर बीच में हो तो उसके अंदर वो बी पूरा का पूरा ही आ जाता है, ठीक है। आगे कहता है यू इंटरसेक्शन ए, यानी यू और ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है। ए और यू जो है, ए जो है वो यू के अंदर है, तो इसका मतलब ए की सारी चीजें यू के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपका ए वाला का जो इनसाइड है वो कॉमन है, वो है, ठीक है, कॉमन है। यानी अगर मिसाल के तौर पे ले लें कि यू के अंदर है 4, 5, 6 और ए के अंदर है 5, 6, तो अब कॉमन क्या है, 5, 6, तो वो ए वाला ही बन जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए का कॉमन लेना है ए के साथ। अब ए को कॉमन ले रहे हैं, यानी ए के अंदर अगर 2, 3, 4 है और एक और ए है उसके पास भी 2, 3, 4 है, तो दोनों के पास कॉमन क्या है, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, ए उसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ए यूनियन ए भी में भी ए पूरा का पूरा आ जाता है और ए इंटरसेक्शन ए के अंदर भी ए पूरा का पूरा आ जाता है। ये दोनों सेम ही होते हैं जब आप सेल्फ इंटरसेक्शन लेते हैं या सेल्फ यूनियन लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, ये कहता ये है कि टोटल कस्टमर हमारे पास हैं, टोटल कस्टमर हमारे पास कितने हैं, टोटल कस्टमर हमारे पास हैं 65, ठीक है। उसमें से जो रेड शर्ट पसंद कर रहे हैं ना, रेड शर्ट, तो रेड शर्ट जो पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं 34। और जो व्हाइट शर्ट पसंद कर, ब्लू शर्ट पसंद कर रहे हैं, ब्लू शर्ट वाले कितने हैं, ब्लू शर्ट वाले हमारे पास हैं 41। तो अब आपने ये बताना है कि जो दोनों कर रहे हैं वो कितने हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, रेड शर्ट और ब्लू शर्ट को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये आके 34 और ये प्लस 41, ये कितना आता है, 5 और ये 7, तो 75 आता है। टोटल कितने हैं, 65। तो इसके अंदर जो 75 आ गए हैं टोटल, अब आपने जो है ना, जो क्या कर रहे हैं, बोथ यूजिंग बोथ, वो लाजमी बात है जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, टोटल 65 हैं, तो बीच में 10 ऐसे हैं जो दोनों यूज कर रहे हैं। तो आपने ये जो निकाला है ना सम, इसको माइनस कर देना है टोटल 5 से, तो आपके पास 10 आ जाएगा। सो 10 वो हैं जो दो क्या कर रहे हैं, दोनों मिला के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी अगर डायग्राम बनानी है तो ये देखें, बहुत आसान डायग्राम है। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रेड शर्ट वाला हो गया, ठीक है, और ये आपका ब्लू शर्ट वाला हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। तो इसमें जो कॉमन है, दोनों मिलके यूज कर रहे हैं, वो 10 है, ठीक है। तो रेड कितने कर रहा था, 34, तो बीच में 10 कॉमन हो गया, 24 जो है वो अलहदा रेड यूज कर रहे हैं, और ब्लू वाले कितने यूज कर रहे हैं, 31 सिर्फ ब्लू कर रहे हैं, और दोनों मिला के कितने कर रहे हैं, 10। तो इसको आप बेशक प्लस कर लें, आपका कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। जी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 50, ठीक है, 50 हैं। अब इस 50 में से जो पेन यूज़र, पेंसिल यूज़र्स हैं वो कितने हैं, तो कहते हैं पेंसिल जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो हैं हमारे पास 22। अच्छा, तो पेन यूज़र कितने हैं, तो कहते हैं पेन यूज़र हमारे पास हैं
32। मैंने कहा अच्छा, फिर कहते हैं बोथ जो यूज़र हैं, जो दोनों यूज़ कर रहे हैं, जो दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितने हैं, तो वो हो जाएंगे मेरे पास कितने, 8। तो अच्छा, अब ये इन सबको अगर आप प्लस करो ना 22 और 32, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 62 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो 50 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेंसिल यूज़र, अच्छा आपने निकालना क्या है, जो डोंट हैव बोथ, जो डोंट हैव बोथ, ये आपने निकालना है, यानी जो पेंसिल यूज़र भी नहीं है वो जो विदाउट इसके है। इसमें आपने क्या करना है, पहले ये तो पेंसिल यूज़र में बोथ वाले भी आ जाते हैं, आपने कहना है जो ओनली पेंसिल यूज़र है, ठीक है, ओनली पेंसिल यूज़र, यानी कि सिर्फ पेंसिल यूज़ करते हैं, बोथ उसके अंदर नहीं आते। तो वो 22 में से अगर आप 8 माइनस कर दें, तो 8 में बोथ वाले भी हैं ना, तो वो आप माइनस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर वो कहूँ मैं ओनली पेन यूज़र कौन से हैं, तो ओनली पेन यूज़र जो सिर्फ पेन यूज़ कर रहे हैं, बोथ वाले नहीं हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 32 माइनस 8 जो कि बचते हैं 24, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर डायग्राम बना के समझाऊँ, तो ये देखें, ये वेन डायग्राम बना लेते हैं, सही है। तो इसमें मेरे पास ये आ गए दो सर्कल्स, तो पहले मेरे पास पेंसिल वाले यूज़र्स हैं, दूसरे मेरे पास पेन वाले यूज़र हैं। तो पेंसिल वाले जो कुल मिला के थे वो 22 थे, मगर जो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं 14, और जो सिर्फ ये पेन यूज़ कर रहे हैं वो हैं 24, और जो मिला के यूज़ कर रहे हैं, बोथ यूज़ कर रहे हैं, वो हैं 8। तो इस तरह अगर पेंसिल वाले हो गए 14 जमा 8, ठीक है, वो 22 हो गए। तो इस तरह करके अब जो रह गए हैं, जो तीनों यूज, मतलब बोथ वाले भी नहीं है, पेंसिल वाले भी नहीं है, पेन वाले भी नहीं है, तो वो कितने हैं, वो जो बाहर रह गए। अब ये जो बाहर वाला एरिया, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यू को माइनस कर देंगे, यानी टोटल को, अब मैं यूँ कहूँ कि जो रिमेनिंग आप कर लें, ठीक है, रिमेनिंग लिख लें, या जो बोथ की डोंट है बोथ यूज़र लिख लें, उसको आपने क्या करना है, टोटल, यानी कि टोटल जो यू है उसमें से माइनस कर देना है ए यूनियन बी को, यानी इनको, यानी 14 पेंसिल यूज़र को, ओनली पेंसिल यूज़र को, ठीक है, ओनली पेंसिल यूज़र माइनस ओनली पेन यूज़र माइनस बोथ, ठीक है, सबके साथ माइनस कर देना है। तो टोटल आपके पास है 50 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 24, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 50, और ये माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाते हैं, 24 14 और 8, तो ये आ जाएंगे 4 और 4 8 8 और 8 16, 1 ऊपर, ठीक है, ये आ जाएंगे 46। तो आपके पास माइनस 46 आ गया, तो पीछे कितने बच गया, 4 बच गया, ठीक है। तो ये 4 आपके पास क्या है, आंसर आ गया है इसका, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो बोथ यूज़र नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये आउटसाइड आपके पास जो बच रहा है, ये 4 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, आई होप सो बच्चों आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।